नमस्कार किसान साथियों, खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं। जो अभी आप मेरे आसपास में देख रहे होंगे कि मैं गेंदा के खेत में यहां पर खड़ा हूं, और आपको जानकर इतनी खुशी होगी कि राजस्थान में इस बार अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि के कारण सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन यहां पर राजस्थान में मैं घूमता यहाँ आया तो एक अपवाद मिला मेरे को, जिन्होंने एक बीघे का गेंदा बोकर लाखों रुपए की अर्निंग की है यहाँ पर, और काफी समय से ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में करके आप लाखों रुपए की कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं इन काश्तकार से और अपन इनसे पूछते हैं कि आपने किस प्रकार खेती की है। और तो सर जी, आपने जो ये गेंदे की खेती की है तो इसमें आपको कितना समय से आप खेती कर रहे हैं, कितना खर्चा आया है और कितनी अच्छी उपज के लिए आपने क्या किया है? ऐसा मैंने इसको 4 साल से मैं ये खेती कर रहा हूँ, 4 साल से खेती कर रहा हूँ। एक बीघे में 12,000 का खर्चा आता है, 12-13,000 का, ज्यादा नहीं आता है। दुनिया तो बहुत बताती है मगर 12-13,000 का खर्चा आता है। इसमें एक ही समस्या है कि इस खेत के अंदर घास नहीं होना चाहिए। घास के अलावा दूसरी बात है कि गोड़ के पौधे के नीचे 2-2 किलो मिट्टी पौधे के नीचे चढ़ा दो तो बढ़िया। और बाकी उसके बाद में वो ध्यान रखना है अपन को कि कोई मच्छर लग रहा है, इली लग रही है, वो दवाई छाटो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उसके बाद में ये अच्छी पैदावार है, बहुत अच्छी पैदावार है। 40 रुपये किलो बिकता है, 35 रुपये किलो भी बिकता है, और सीजन में नवरात्रि दीपावली पे 100 रुपये किलो भी बिक जाता है। तो एक बीघे का अगर कोई भी किसान गेंदा बोए तो उसको लगभग मतलब एक सीजन की कितनी अर्निंग हो जाती है आपके हिसाब से? अरे कम से कम मानो तो 50-60 हज़ार रुपये, कम मेहनत करेगा तो 50-60 हज़ार रुपये तो उसका मिनिमम ही है, और ज्यादा मेहनत करेगा तो एक पेटी का लमसम है उसका, एक पेटी का टारगेट बैठेगा उसका। मेहनत करेगा तो एक पेटी मिलेगा उसको, तो बाकी तो 50-60 हज़ार रुपये तो ही है। जिससे डोरा चढ़ा देगा, घोड़ में पौधे के पास में मिट्टी चढ़ाएगा तो उसको 1 लाख रुपया तो कहीं गया ना आया कुछ भी, 20 रुपया के किलो के भाव से भी जाएगा तो भी 1 लाख रुपया है एक बीघा का। तो सर जी एक चीज और बताइए, अगर कोई भी किसान इसकी खेती करना चाहे तो उसको ये बीज कहाँ से प्राप्त होता है और उसके बाद में प्रोसेसिंग क्या रहती है, इसको कैसे बोया जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं या फिर बीज को डायरेक्ट बोते हैं, वो सारी प्रोसेस बताइए आप। इसका बीज मिलता है या तो नीमच मिलता है या रतलाम जाना पड़ता है। वो एक पुड़ की आती है एक तोड़े की, वो 1800 में भी आती है और 2000 में भी आती है। वो एक पुड़ की में बीज आता है सिर्फ 1000 बीज आते हैं। वो बीज ला के अपन घर पे खेत जेट महीना इन्हें उसको बोई करना पड़ता है। 2 क्यारी बनाई 4 क्यारी बनाई उसमें एक एक बीज बोना पड़ता है। बीज बो के उसमें पानी छिड़काव करके 3 दिन छिड़काव करना, बाद 3 दिन छिड़काव करते हैं, 3रे दिन उग जाता है, उसके बाद में उसको पानी छोड़ देते हैं और वो पौधा बड़ा होता है। वो 20 दिन के बाद में बोते हैं, जिस टाइम में बारिश हो जाती है 6 महीने वाली, उस बारिश में उसको सौंप देते हैं तो उसमें फायदा है, बाकी तो नहीं होता है। तो सर ये कितने दिनों में फूल लगना शुरू हो जाते हैं और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये लमसम बीज करने के बाद में 1.5 महीने 1.5-2 महीने के अंदर बीज इसके फूल लगना चालू हो जाता है, वो गणपति पर चालू हो जाता है, 1.5 महीने में फूल चालू हो जाता है। बीज करने के बाद इनके रोपने के बाद में 1.5 महीना 20 दिन का तो पौधा होता है, 20 दिन के चौबने के बाद में भी ये मानो 1.5 महीना में इसका फूल चालू हो जाते हैं। तो 1.5 महीने तो सर एक बार में अगर बोने के बाद जैसे आप बोलते हो 1.5 महीने बाद ये फूल लगना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही फूल लगना शुरू होता है तो उसके कितने महीने तक फूल लगते रहते हैं? अगर इसमें कोई बीमारी नहीं आती है तो लमसम 4 महीना चलते हैं, और अगर बीमारी आ जाए, बीमारी का ध्यान नहीं रखें तो 2-2.5 महीने में खत्म हो जाता है। नवरात्रि से दीपावली हो, दीपावली के बाद खत्म हो जाता है, बाकी तो ये 2-3 महीने तक लमसम चलते रहते हैं। बीमारी का ध्यान रखो बराबर, और देसी खाद गोबर डाल दो और उसमें बो दो तो इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी और कोई बीमारी की कोई शंका ही नहीं होगा, दवाई छाटने का इच्छा भी नहीं होती अपन को।
तो किसान साथियों, आपने आज जाना है कि एक गेंदा की जो खेती किसान कर रहे हैं उसमें क्या ध्यान नहीं रखते हैं। तो कम खर्च में इन्होंने किया है, सिर्फ एक बीघे में 12 से 13,000 का खर्चा किया है और 1,00,000 रुपए तक की अर्निंग इन्होंने की है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप भी किसानों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और किसानों की हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।